जय श्री राधे राधे। आप सबका हमारे YouTube चैनल कान्हा किशोरी किचन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी पे जो दीपदान किया जाता है उसके बारे में बतलाएंगे कि किस प्रकार से यदि हम पूरे कार्तिक के महीने में मंदिर नहीं जा पाते हैं या दिया नहीं जला पाते हैं तो उसके लिए अंतिम दिन यानी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम पूरे साल के नाम का एक दिया जलाकर अपने इस कार्य में पुण्य के भागी बन सकते हैं और पूरे साल के लिए हम उसी दिन दिया जला सकते हैं यानी दीपदान कर सकते हैं मंदिर में जाकर। उससे हमें पूरे साल का एक ही दिन में पूरे साल का ज्योत जलाने का हमें फल मिल जाता है। तो इस दिए को हम किस तरह से बनाएंगे आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस दिए को बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक इस तरह का नारियल लेंगे। नारियल की शेप हमें देखकर लेनी होती है। इस शेप का नारियल हो जो कि काटने के बाद दिए की शेप का बन जाए। और यदि नारियल आप नहीं ले पाते हैं तो इस तरह की जो सरी बोलते हैं या जो भी इस तरह का पात्र होता है उसको ले सकते हैं, या पुराना जो दिया जो हमने दिवाली पर इस्तेमाल किया है उसको भी हम यूज़ में ला सकते हैं। उससे पहले उसको अच्छे से साबुन से सर्फ से अच्छे से धो के साफ करके और उसको गैस पर जला के थोड़ा सा सुखा लें, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इस तरह से नारियल को हम कैसे दिया बनाएंगे। नारियल को हम बिल्कुल बीच से ऐसे बीचों बीच हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। किसी किसी के घर में मान्यता होती है कि स्त्रियां नारियल को नहीं काटती हैं। अगर आपके घर में इस तरह का कोई रिवाज है या कोई परंपरा है तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, अपने घर के आदमियों से कटवा लीजिए। बाकी जो महिलाएं घर में काट सकती हैं तो महिलाएं अपने आप से भी काट लें। ये इस तरह से हमने इसको नारियल को दो हिस्सों में कट कर लिया है। इसे हम दो दिए भी बना सकते हैं, जिनको दो दिए लगाने हो वो दोनों यूज़ कर लें, जिसको एक लगाना हो वो एक यूज़ कर लें। अब ये देखिए इस नारियल की यानी सुगोले की जो शेप है वो बिल्कुल दिए की शेप बन गई है। और इसको हम ऐसे रख के देखते हैं कि ये ऐसे हिलना नहीं चाहिए। अगर ये हिले तो इसके नीचे हम कोई भी छोटी कटोरी इस तरह से रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब देखते हैं कि इसके लिए हम ज्योत कैसे बनाएंगे। अब हम लेंगे इस तरह की मूली, इसको हम कलावा भी कहते हैं। कोई सफ़ेद रंग की मूली भी लेता है, कोई इस तरह की लेता है। तो सबसे पहले हम मूली के पार्ट को गिनेंगे कि इसमें कितने धागे हैं। अब जैसे मेरी इस मूली में धागे हैं 6 धागे हैं। तो ये 6 धागे यानी 6 ज्योत मानी जाएंगी। इसको इस पूरे को एक नहीं माना जाता, इसके अंदर जितने धागे हैं उतनी ज्योत मानी जाती है। इसमें 6 धागे हैं तो ये 6 ज्योत मानी जाएगी मूली है। तो इस 6 धागे वाली मूली को हम 365 को 6 से डिवाइड करके हमारा आ जाता है 60 यानी 60 लपेटे हम इसके देंगे तो हमारी 365 ज्योत बन जाएंगी। किस तरह से लपेटेंगे ये देखिए,
एक, फिर यहाँ से दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तिरतालीस चवालीस पैंतालीस छियालीस उनतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ और साठ। ये हो गए साठ हमारे लपेटे और पैंसठ यानी पांच और जोत, एक लपेटा और लेंगे तो हमारी ये पूरी 365 बन जाएगी। इसको हम यहाँ से कर लेंगे कट। यहाँ पर ये हमारी 365 जोत हमारी बन जाएंगी। अब हम इसको बीच से कट करेंगे। कैसे? यहाँ से इसको कट किया इस तरह से और दूसरी तरफ से भी हम इसको कट करेंगे। इस तरह से ये हमारी 365 जोत तैयार हो गई है, जो हमने पूरे कार्तिक मास में अगर एक दिन भी दिया नहीं जलाया है तो आज एक ही दिन पूरे साल के नाम की हम जोत प्रभु जी के लिए जला सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। इस तरह से अब हम इसको रखेंगे इस दिए के अंदर जो हमने नारियल का बनाया है, इसमें इस तरह से रखेंगे। और यदि आपके पास इस तरह का दिया है तो हम इसको इसमें भी रख सकते हैं, ये इसमें भी बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे से जल जाएंगे इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल करूँगी। इसमें हम इसको दिए को जलाने से पहले ही हम इसके अंदर जोत को सेट कर लेंगे। अब हम इस दिए के चारों तरफ तिलक भी लगाएंगे। ये काम हमें दिया जलाने से पहले ही कर लेना है क्योंकि कई बार दिया जलाते हुए हाथ जल जाता है, तो इसलिए इस तरह से दिए को हम तिलक करेंगे। चंदन, लाल चंदन और सफ़ेद चंदन हम दोनों से ही तिलक करेंगे। आपके पास यदि चंदन नहीं है तो आप हल्दी और कुमकुम से भी तिलक कर सकते हैं। ये इस तरह से हमारा दिया तैयार हो गया है। ये देखिए, ये हमारा दिया पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो गया है। कई बार दिया हिलता रहता है तो इसके लिए हम इस टाइप की जो छोटी कटोरी आती है इनके ऊपर भी इसको रख सकते हैं। इससे दिया बिल्कुल सही तरीके से जमा रहता है, ये बिल्कुल भी नहीं हिलता। अब हम इसके अंदर घी भरेंगे। आप चाहें तो इसमें गाय का घी लगाएं
या चाहें आप इसमें, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तुलसी जी के लिए तिल के तेल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस घी को पिघला लिया है बड़े अच्छे से, और इस तरह से हम इसमें इंदियों को, बातियों को इस तरह से डिप कर लेंगे। थोड़ी देर में सारा घी अपने आप आगे आ जाता है और इस तरह से हम दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब बारी आती है इस दिए को हम कहाँ पर जलाएं। हम ये दिया घर में तो हम हमेशा ही अपना दिया जलाते हैं, इस दिए को हम अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जा कर के दान कर सकते हैं, तभी इसको दीपदान कहा जाता है। तो किसी भी मंदिर में जाके हम इस दिए को जला सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। और इसको जलाने का सही समय जब अंधेरा हो जाता है तभी दिया जलाने का सही मतलब होता है कि अंधेरे को दूर करें, और इसलिए हम दिया जलाते हैं। तो ये थी साल भर का एक ही दिन दिया जलाना, तो किस तरह से इस दिए को हम बनाएंगे और किस तरह से हम इसे लगाएंगे। हम देखेंगे कि दिए को किस तरह से हमने जलाना है। कभी भी खाली दिया नहीं जलाया जाता, तो इसलिए जलाने से पहले उसको अर्पित करना जरूरी होता है। उसके लिए हम इस तरह से जो खील हमारी दिवाली पर आती है वो खील या चावल हम ले सकते हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल एक बूंद पानी की ये इस तरह से बिल्कुल एक बूंद पानी की हम इस तरह से लेकर के और इसमें छोड़ देते हैं और ये इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से हम दिए को मिनस कर ही दिए को जलाएं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो हमारी इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे।